हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सोया मटर की सब्जी। इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन में रिफाइंड ऑयल ले लेंगे, लगभग 2 से 3 चम्मच। जब रिफाइंड ऑयल गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम उसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, लगभग ये हमने 1 प्याज लिया है बड़ा सा। अब इसे हम थोड़ा मध्यम आंच पे भूनेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। इसमें लगभग 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और इसको भी हम प्याज के साथ भूनेंगे ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो चला जाए। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ एक छोटा सा टमाटर और इसको भी हम प्याज और लहसुन के साथ भूनेंगे। अब ये सारे प्याज लहसुन और टमाटर अच्छी तरह भून चुके हैं। अब हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। अब इन सबको भी हम अच्छी तरह से इसमें भून लेंगे। मसाले जले नहीं, इसके लिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इन्हें अच्छी तरह से दोबारा भूनना स्टार्ट कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारे मटर, लगभग 1 छोटी कटोरी। इन्हें भी हम इस मसाले के साथ मिला लेंगे। पाँच से 6 मिनट बाद देखिए मटर थोड़े पक गए हैं, भाप आनी शुरू हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे भिगोए हुए सोया चंक्स और उन सोया चंक्स को भी मटर के साथ अच्छी तरह से इस मसाले में मिला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी पानी और इसे ढक के पका लेंगे कम से कम 10 से 15 मिनट। इससे 15 मिनट बाद देखिए आप, हमारा ये मटर भी पक चुके हैं, सोया चंक्स भी पक चुका है। अब इसमें डालेंगे हम नमक, गरम मसाला पाउडर 1/4 चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च बीच से कटी हुई और इन सबको अच्छी तरह दोबारा से मिला लेंगे। ये सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। अब हम डालेंगे इसमें पनीर के छोटे छोटे पीसेस, ये हमने अपनी तरफ से डाला है। अगर आपके पास नहीं है और नहीं डालना चाहते तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिना पनीर के भी बहुत अच्छा बनता है और पनीर थोड़ा इसके स्वाद और को इन्हेंस कर देगा। अभी हमारा मटर सोया चंक्स बिल्कुल सब तैयार हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब ऐसे ही रेसिपीज के लिए आप देखते रहिए किचन 69।